జగిత్యాల విజయ సంకల్ప సభలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. ఏక నయా ఇతిహాస్ రచనే వాలే హై. 13 मई को तेलंगाना में होने वाला मतदान विकसित भारत के लिए होगा. और जब भारत विकसित होगा तो तेलंगाना भी विकसित होगा. यहां तेलंगाना में बीजेपी के लिए लगातार जन समर्थन बढ़ता ही जा रहा है. तेलंगाना का ये दृश्य, जगतियाल का ये जन सैलाब, इसका प्रमाण है. मैं पिछले 3 दिनों में दूसरी बार तेलंगाना आया हूं. उसके पहले मैं तेलंगाना के लिए हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजना की सौगात लेकर भी आपकी सेवा में हाजिर हुआ था. इसी महीने मैंने आदिलाबाद से पूरे देश और तेलंगाना के लिए 56,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया था. संगारेड्डी में भी हाईवे, रेलवे और एयरवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं को समर्पित किया था. ये विकास आज तेलंगाना के हर इलाके में पहुंच रहा है. इसलिए तेलंगाना के कोने कोने में बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है. आपने देखा होगा, अभी मुझे मल्काजगिरी में भी जनता जनार्दन हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उमड़ आई थी. जैसे जैसे 13 मई निकट आ रही है, वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, तेलंगाना में बीजेपी की लहर, कांग्रेस का, बीआरएस का सुपड़ा साफ कर देगी. और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार. 4 जून को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसलिए लोग कह रहे हैं 4 जून को, 4 जून को, 4 जून को. और तेलंगाना भी कह रहा है अब की बार विकसित भारत के लिए, विकसित तेलंगाना के लिए, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए, गरीब की उन्नति के लिए, किसान कल्याण के लिए, युवाओं को नए अवसर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, मजबूत भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए. नालगो वन्नलो दाटाले
बीजेपी की ओटू वैयाली। साथियों, तेलंगाना की ये धरती भारत माता की। देखिए मेरा कितना सौभाग्य है, मेरे सामने शक्ति स्वरूपा एक बेटी शक्ति का रूप धारण करके मुझे आशीर्वाद देने आई। उधर भी एक बेटी देखिए शक्ति स्वरूपा बन के मुझे आशीर्वाद देने आई है, और इधर देखिए इतनी माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा आज मोदी को आशीर्वाद दे रही है। अभी कल मुंबई में इंडी एलायंस की रैली थी और चुनाव घोषित होने के बाद इंडी एलायंस की ये पहली और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण रैली थी। उस रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और उनके पहले घोषणा पत्र का ऐलान क्या है, मुंबई के शिवाजी मैदान में जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, जब एक औरत को उठा करके लाए तो उन्होंने कहा काश अगर तुम मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी एलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं, मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या?
क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है।